हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ब्लाउज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ आप किसी भी हैवी साड़ी पर पहन सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। और दोस्तों, इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ को बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट और काफ़ी सारे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए हैं, और इमेज भी काफ़ी लोगों ने हमें इस ब्लाउज़ की भेजी थी। तो उन सब की पसंद पर हम आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ब्लाउज़ लेकर आए हैं, और इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ का जो लुक है दोस्तों कुछ इस तरीके का आने वाला है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिंपली अपने साइड ओपन ब्लाउज़ की कटिंग की हुई है, और इस पर अस्तर भी चिपका लिया है, और साइड में और पूरी प्लेटें डाल ली हैं। इसके बाद दोस्तों, इसी तरीके से हमने अपने बैक को भी तैयार कर लिया है, प्लेट भी डालकर और अस्तर भी लगाकर। दोस्तों, इसी तरीके से आपको इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अपने साइड ओपन ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है और अस्तर चिपका लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग नहीं आती है तो इसके लिए हमने अपना एक शो चलाया हुआ है, जिसका नाम है छोटी मगर मोटी बातें सिलाई के बारे में बिगनर्स के लिए। आप उस शो को फॉलो कर लें, वहाँ पर आप 0 से लेकर 100% तक जो भी काम होता है सीख सकते हैं। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर दो तरह की बुकरम ली है। ये देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें दो नेक बनेंगे, एक आगे और एक पीछे। तो सबसे पहले हम अपना एक नेक कटिंग करेंगे, और उसके लिए हम आपको अपनी बुकरम का साइज बताते हैं। हमने अपनी बुकरम की जो लंबाई ली है वो ली है 9 इंच, और चौड़ाई जो ली है वो ली है 13 इंच, यानी कि 13 इंच। इसके बाद हम बीच में से इसको फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, इस नेक डिज़ाइन को काटने के लिए आपकी जो नेक की ब्रॉडनेस रहेगी वो रहेगी 11 इंच, यानी कि 11 इंच। जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो आपको ब्रॉडनेस 11 ही इंच रखनी होगी। तो आप 11 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 5.5, यानी कि 5.5। तो यहाँ पर हम अपना आधा निशान लगा लेंगे 5.5 पर। और इसके बाद दोस्तों, आपके नेक की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 8 इंच। दोस्तों, आप नेक की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडनेस को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहां पर हम अपना सीधा सीधा एक निशान लगा लेंगे 8 इंच पर। और फिर इसके बाद दोस्तों, सिंपली अपने राउंड नेक की शेप दे देंगे। ये देखिए, हमने यहां पर राउंड शेप दे दी है, और इसके बाद इसकी बाहर की तरफ जो आप बुकरम रखना चाहते हैं, आधा इंच या 1 इंच, अपने हिसाब से रख लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने मार्किंग कर दी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा नेक कट गया है, और नेक कटने के बाद में आपकी जो ये बुकरम निकली है बीच में, आपको इसको फेंकना नहीं है, आप इसमें एक नेक और भी यूज़ कर सकते हैं छोटे साइज़ का। तो इसको हम रख लेते हैं, और इसके बाद देखिए हमारे नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। दोस्तों, इसी तरीके का सेम नेक हम अपनी ये वाली बुकरम में भी कट कर लेंगे, और ये जो नेक होगा दोस्तों ये हमारी बैक के लिए होगा, सेम इसी तरीके से कटेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने दोनों ही नेक को काट कर और अस्तर पर चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद में थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हमारे दोनों ही नेक रेडी हैं बैक में और फ्रंट में लगने के लिए। तो कैसे लगाएंगे देखिए, ये दोस्तों बहुत ही नॉर्मल होता है, और इसे आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं सिर्फ एक बार समझाने से। तो देखिए, हम अपने नेक को सीधे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे, और कच्ची सिलाई लगाने के बाद में अपनी बुकरम के बराबर बराबर सिलाई को लगाएंगे। और दोस्तों, इस डिज़ाइन को वही लोग काफ़ी आसानी से जल्दी बना सकते हैं जिनको सिलाई अच्छी तरीके से आती है। वैसे तो वो लोग भी बना सकते हैं जो अभी सीख रहे हैं। वो लोग कैसे बना सकते हैं, वो हमारी वीडियो को देखकर पॉज कर सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, सिलाई लगाने के बाद थोड़ा कपड़ा छोड़ करके कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद में अपनी जो बुकरम है अंदर की तरफ को टर्न कर देंगे। तो ये नॉर्मली है, आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हम अपने दोनों ही नेक को बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नॉर्मली तरीके से अपना ये वाला नेक और पीछे वाला नेक बना लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इसके बाद दोस्तों बहुत ही दिलचस्प ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पेपर लिया हुआ है। तो पेपर का साइज़ जो हमने लिया है दोस्तों, जान लीजिए 16 इंच चौड़ाई है और 8 इंच लंबाई है। इसमें हम अपना पैटर्न काटेंगे पहले। तो पैटर्न काटने के लिए हमने अपने पेपर को इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद अपने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को लेंगे, और लेने के बाद में अपने पेपर पर किस तरह सेट करेंगे ध्यान से देखना। पहले हम अपनी ये वाली कंधी को पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में अपने पेपर वाली साइड पर इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में यहाँ से हम 11 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है इस टाइम पर 11 इंच। तो 11 इंच पर हमें अपना एक मार्क लगा देते हैं।
ये हमने अपना 11 इंच पर मार्क लगा दिया है, और लगाने के बाद में ये वाली कंधी को भी 11 इंच के मार्क पर इस तरीके से फिक्स करके रख देंगे, और रखने के बाद में यहाँ पर हम अपनी पिन लगा देंगे जिससे कि यहाँ से हमारी कंधी हटे ना। ये देखिए यहाँ पर हमने पिनअप कर दिया है, और पिनअप करने के बाद में देखिए दोस्तों ये हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 11 इंच पर फिक्स हो गई है। और फिक्स करने के बाद में आपका पेपर बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने पेपर को आर्मोल की शेप में काटना है, और आपका पैटर्न भी कुछ यहीं से इस तरीके से कटने वाला है। तो यहाँ पर भी हम एक पिन चाहें तो पिन लगा दें, और नहीं तो इसे हटा कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद में दोस्तों आपको करना ये है, अपने पेपर की बाहर वाली साइड पर एक 1 इंच का निशान लगाना है। ये हमने अपना 1 इंच पर निशान लगा दिया। इसके बाद ये वाली कंधी से अंदर की तरफ आपको 1.5 पर एक मार्क लगाना है, मतलब कि 1.5 इंच पर। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी नाप लेनी है कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपकी 8.5 में 1 पॉइंट कम है, तो 8.5 का आप आधा करेंगे तो होगा 4.25, और 4.25 में आप हल्का सा कम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना 20 सेंटर का एक मार्क लगा दिया है, और लगाने के बाद में दोस्तों आपको करना ये है, इस सेंटर वाले निशान को हल्का सा सीधा कर लें इस तरीके से, और सीधा करने के बाद में आपको अपने नेक की लंबाई नापनी है। आप 3 इंच रखनी है, आपको जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो 3 इंच ही रखेंगे। ये देखिए हमने अपना 3 इंच पर मार्क लगा दिया है, और लगाने के बाद में आपको यहाँ से यहाँ तक की एक शेप देनी है, देखिए इस तरीके से। ये हमने अपनी सेफ दे दी है, इसी तरीके की सेम सेफ हमें दूसरी साइड पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पेपर में से पिन को निकाल देंगे, और निकालने के बाद में जो ये हमने अपना मार्क लगाया इस मार्क से पेपर को इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारा निशान जो है दूसरी साइड पर आ गया है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये देखिए अब हमारा निशान जो है वो सेम आ गया है। इसके बाद आपको अपने नेक को फिर उसी तरीके से सेट कर देना है। ये सेट हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये है, यहां से हल्की सी आपको गोलाई दे देनी है। ये आपको गोल कर देना है, मतलब कि, और गोल करने के बाद में आपको करना ये है, देखिए इस तरीके से ये हमारा यहां पर गोल हो गया है। अब आपको अपने आर्मोल से नीचे की तरफ एक 1 इंच पर मार्क लगाना है। वो मार्क आपको पेपर को पहले यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है, उसके बाद पेपर ये ब्लाउज़ को हटाना है, और ब्लाउज़ को हटाने के बाद में इस तरीके से आप अपना एक 1 इंच पर निशान लगा लें। ये हमने अपना 1 इंच पर निशान लगा दिया है, और निशान लगाने के बाद में पहले आप अपने आर्मोल का सेम निशान लगा दें। ये देखिए ये हमने अपना मार्क लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों आप अपने ब्लाउज़ के पीस को इस तरीके से हटा दें, और हटाने के बाद में दोस्तों आपको ये करना है, यहाँ से आपको अपनी सेफ ले जानी है कुछ इस तरीके से। देखिए और ले जाने के बाद में आपको यहाँ पर टच कर देनी है। ये देखिए दोस्तों हमारे पैटर्न का जो मार्क है वो आसानी से लग गया है। इसके बाद हम सेम कटिंग कर लेंगे अपने पेपर की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पैटर्न को बखूबी काट लिया है। ऐसा ही एक पैटर्न दोस्तों हम अपनी बैग के लिए काटेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर और लेंगे, और पेपर लेने के बाद में इस तरीके से इसको बिछाएंगे, और अपने पैटर्न को फिर से इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में दोस्तों तरीका जान लीजिए, आपको सारे मार्क इसी तरीके से लगाने हैं सेम, लेकिन आपको ये आर्मोल का मार्क नहीं लगाना है। ये मार्क आप अपने ब्लाउज़ की बैक के अकॉर्डिंग काटेंगे, क्योंकि बैक का जो आर्मोल होता है थोड़ा अलग तरीके का होता है, क्योंकि इसमें गोलाई थोड़ी कम होती है और सामने वाले में गोलाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके का सेम पैटर्न हम काट लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, फ्रंट के जैसा ही हमने अपना बैक वाला पार्ट भी कटिंग कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम दो पैटर्न अपनी पेपर फ्यूजिंग में काटेंगे और काटने के बाद में ब्लाउज के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पेपर फ्यूजिंग पे काटने के बाद हमने अपने दोनों ही पैटर्न को ब्लाउज के कपड़े पर चिपका लिया है। और चिपकाने के बाद में देखिए इसमें हमने कहाँ कहाँ मार्जिन किस प्रकार से छोड़ा हुआ है। तो देखिए, आर्म होल से बिल्कुल कपड़े को मिलाकर काटा है और यहाँ पर भी मिलाकर काटा है। उसके बाद जो आप राउंडिंग देख रहे हैं, राउंडिंग पर हमने क्वार्टर इंच से थोड़ा कपड़ा ज़्यादा छोड़ा हुआ है और नेक के अंदर भी हमने क्वार्टर इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ा हुआ है और कंधी की तरफ बिल्कुल मिलाकर काट दिया है। इसी प्रकार से हमने अपने दूसरे वाले पैटर्न में भी कपड़े को काट लिया है। अब हम सबसे पहले अपने फ्रंट वाले पैटर्न को तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए दोस्तों हम लेंगे अपना अस्तर। ये देखिए, ये हमने अपना अस्तर लिया और अस्तर लेने के बाद में हम अपने पैटर्न को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। जैसे भी सेट होता है उस तरीके से सेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न सेट हो गया है। अब हम इसको कहाँ से सिलाई लगाकर कैसे तैयार करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ से हम अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाकर हम पूरी राउंडिंग को कंप्लीट करेंगे, सिर्फ यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को उतार दिया है और उतारने के बाद में दोस्तों थोड़ा कपड़ा छोड़ने के बाद में बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे हम। अब दोस्तों आपको यहाँ पर भी अपने कपड़े को बिल्कुल मिला करके काट देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने कपड़े को बिल्कुल मिला करके काट दिया है और इसके बाद दोस्तों आपको अपने पैटर्न को इस तरीके से पलटना है। ये देखिए, पैटर्न को हम पलट रहे हैं और पैटर्न को पलटने के लिए दोस्तों आप पेचकस का भी सहारा ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से पलट गया है और पलटने के बाद इस पर हम आयरन कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद दोस्तों, जैसे हमने अपने ये वाले पैटर्न को तैयार किया है, वैसे ही सेम अपने ये वाले पैटर्न को तैयार करके फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये दोनों पैटर्न तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम अपने पैटर्न पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए दोस्तों यहाँ से हम अपनी पाइपिंग को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपनी मैचिंग कलर के कपड़े की पाइपिंग बनाई हुई है। ये दोस्तों डोरी वाली पाइपिंग है। आपको भी जब ये पाइपिंग लगानी हो तो डोरी वाली पाइपिंग ही बनानी होगी। और दोस्तों, अगर ये आपको सीखनी है तो आप हमारे छोटी मगर मोटी बात वाले एपिसोड को फॉलो कर ले, वहाँ पर आपको ये चीज़ काफ़ी आसानी से सिखाई जाएगी। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला खुला हुआ मार्जिन हम ऊपर की तरफ रखेंगे, मतलब कि नीचे का हमारा बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में अपने पैटर्न को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, सिर्फ पाइपिंग ही पाइपिंग हमारी नज़र आएगी और किनारी की सिलाई लगाकर हम इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों, ये वाली पाइपिंग लगाने के लिए आपको अपनी मशीन में सिंगल बूट लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने सिंगल बूट लगा लिया है और अब हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पाइपिंग है वो कितनी फिनिशिंग के साथ आ रही है। इसी तरीके से हम अपने पूरे पैटर्न में पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन यहाँ और यहाँ पाइपिंग नहीं लगेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पाइपिंग है वो घूम चुकी है और इसी तरीके से अब हम पूरी पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पाइपिंग है वो कंप्लीट तरीके से लग चुकी है और यहाँ पर हमने अपनी कंधी पर और आर्म होल पर पाइपिंग नहीं लगाई है। इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से सेम हम अपने ये वाले पैटर्न पर भी पाइपिंग और अपने दोनों नेक पर भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों ही पैटर्न पर और दोनों ही नेक पर बड़ी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद दोस्तों हम अपने फ्रंट वाले पार्ट पर अपने पैटर्न को सेट करेंगे। दोस्तों, पैटर्न हम वो वाला लेंगे जो हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट से आर्म होल को बिल्कुल मिलाकर कटिंग किया था। इसको देखिए, यहाँ पर हमने अपना पैटर्न ले लिया है और लेने के बाद में सबसे पहले अपने आर्म होल से अच्छी तरीके से सेट करेंगे और करने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम अपनी सिलाई को शुरू करेंगे और करने के बाद में इस तरीके से यहाँ सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हम अपने फ्रंट की झोल निकालते हुए सिलाई लगाकर यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। तो जो हम आप यहाँ से सिलाई लगाएंगे दोस्तों, ये सिलाई आपकी उल्टे हाथ से लगेगी। इसको आपको बड़ा आराम से धीरे धीरे लगानी होगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो ये पैटर्न अटैच करना है, तो यहाँ पर एक प्लेट्स पड़ी होती है ये वाली, इस प्लेट्स की आपको इस तरीके से झोल निकाल देनी है और निकालने के बाद ही आपको अपने पैटर्न को अटैच करना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपने पैटर्न में टांकी बांध देंगे ताकि हमारी सिलाई यहाँ से खुले ना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्रंट वाला पैटर्न जो है अटैच हो गया है। इसी तरीके से हम अपने बैक वाले पैटर्न को भी अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे आर्म होल से बिल्कुल फिक्स करके मिला लेंगे और मिलाने के बाद में यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अपने दोनों ही पैटर्न को अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद दोस्तों हम लगाएंगे अपनी कंधी की सिलाई। तो कंधी की सिलाई लगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले नीचे की तरफ अपने बैक पार्ट को रखना होगा। उसके बाद आप अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर कंधी मिलाकर रखेंगे। कंधी मिलाकर रखने के बाद में आपको यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाकर कंधी अटैच करनी है। तो चलिए आपको कंधी अटैच करके दिखाते हैं। तो ये हमने अपने बैक पार्ट को पहले रखा है, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, आपके ये जो पैटर्न है इनमें आपको अभी कोई भी सिलाई नहीं करनी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब हम अपनी दूसरी वाली कंधी को जोड़ेंगे। तो ये हमने अपनी दोनों कंधी की सिलाई लगा ली है। कंधी की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों आपके ब्लाउज में जो काम रह जाता है वो ये है, आपको अपने आर्म होल में आस्तीन चढ़ाना और फिटिंग की सिलाई लगाना। फिटिंग की सिलाई दोस्तों आप पहले उल्टे हाथ पर लगाएंगे और उल्टे हाथ पर लगाने के बाद में सीधे हाथ पर आपको जिप लगानी होगी। तो ये सारा काम दोस्तों नॉर्मली होता है, हम अपने ब्लाउज में ये सब कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आस्तीन लगाने के बाद में और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में हमारे ब्लाउज़ का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट काम ये बचता है, आपको अपने पैटर्न को अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना और सेट करने के बाद यहाँ पर हाई और हुक बना लेना। दोस्तों, अगर आपको हाई और हुक बनाना नहीं आता तो इसके बारे में हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पहनने के बाद में दोस्तों आपके ब्लाउज़ का जो लुक है कुछ इस प्रकार से आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।